हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल करियर प्लान माई सेल्फ शेली मैम योर केमिस्ट्री मेंटर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तो बच्चों एल्डिहाइड डी हाइड कीटोन काबोक्सिल एसिड में हम क्लास ट्वेल्थ एनसीआर स्टेट बोर्ड नीट और जेई सारे टॉपिक्स कवर करते हुए चले क्लास के पहले मैं आपको बता दूंगी कि आज का टॉपिक स्ट्रिक्टली नीट और जेई पे है या क्लास ट्वेल्थ में है फर्स्ट लेक्चर बच्चों दोनों के लिए कॉमन है तो स्टार्ट करते हैं हम एलिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सो स्टूडेंट एलिहाइड एंड कीटोन एलिहाइड और कीटोन को हम बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड सो so, कार्बोनाइल कंपाउंड नाउ स्टूडेंट्स कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है तो कार्बोनाइल कंपाउंड कम्पाँन मतलब हैविंग कार्बोनाइल ग्रुप व्हाट आर कार्बोनाइल कंपाउंड सो कार्बोनाइल हैव कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन को हम कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं बच्चों क्यों तो हम कहेंगे दे हैव कार्बोनाइल ग्रुप नाउ व्हाट इज कार्बोनाइल ग्रुप तो कार्बोनाइल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ को हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप टो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप तो होगा ही सही क्लियर सो दे आर कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोनाइल कंपाउंड नाउ स्टूडेंट कार्बोनाइल कंपाउंड आर कैटेगराइज इन टू पार्ट कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इल कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप्स यू केन सेल डी हाइट एंड यू के कार्बोनाइल कंपाउंडेड इंटू टू पार्ट एलडी हाइट एंड कीटोन मीन्स एलिहाइड हो या कीटोन हो सी डबल बॉन्डो ग्रुप तो दोनों में ही रहेगा तो बच्चो एल डी हाइट मीन्स सी डबल बॉन्डो कार्बोन ग्रुप तो होना ही चाहिए और कीटोन दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए इट मीन दिस इज एल डी हाइट और सी डबल बॉन्डो अकेला है यानी दोनों तरफ अगर कार्बन है सो इट विल बी कीटोम तो कार्बोनाइल ग्रुप अगर सेंटर में है तो कीटोम और कार्बोनाइल ग्रुप अगर कॉर्नर पे है तो एल डी हाईट तो कार्बोनाइल ग्रुप हो गए बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोनाइल कंपाउंड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एल्डिहाइड एंड कीटो ओके okay? कोई डाउट नहीं यहां पे अब आगे चलते सो वी कैन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स एल्डिहाइड्स एंड कीटो ओके एल तो एल्डिहाइड लिख देती हूँ कीटोन लिख देती हूँ डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे तो बच्चों एल हाँ में सी डबल ओ के पास में क्या होना जरूरी है तो हम कहेंगे हाइड्रोजन ठीक है तो इन एल इन एल सी डबल बॉन्डो ग्रुप यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन ठीक है सी डबल बॉन्ड ओ के पास बच्चों हाइड्रोजन होना जरूरी है है ना अब इसका क्या मतलब हुआ तो इसका मतलब हो गया आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ और यहां क्या आ जाएगा एच अगर सी डबल बॉन्ड ओ के पास है H आया दैट मींस एल्डिहाइड क्लियर तो कार्बोनिल कंपाउंड दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए एल्डिहाइड और कीटोन एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप के पास में हाइड्रोजन होना कंपल्सरी है तो बच्चों ये हो गया एल्डिहाइड अब कीटोन में क्या होगा तो बच्चों कीटोन में दोनों तरफ इन इनकीटोन देर आर देर आर एलकाइल ग्रुप्स एट द बोथ साइड्स ऑफ बोथ साइड्स ऑफ सी डबल बॉन्डो ग्रुप ठीक है तो जब आप कीटोन की बात करेंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के दोनों ओर क्या होंगे तो हम कहेंगे एल्काइल ग्रुप सेम हो डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट एल्काइल ग्रुप होना मस्ट है तो हम कह देंगे भाई कीटोन ठीक है तो जो सी डबल बॉन्ड हो दोनों साइड अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप है सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है देन इट विल बी कीटोन और कम से कम एक साइड एच होना जरूरी है दूसरी साइड चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ग्रुप हो इट विल एल डी हाइट क्लियर तो यहां तक कोई डाउट नहीं एल डी हाइट क्या होता है कीटोन क्या होता है अब मैं आपसे चलो आप बता मेंबर ऑफ एल डी हाइट सीरीज ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट मेंबर फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज तो बच्चों एल्डिहाइड सीरीज का पहला मेंबर बताना है तो आपको पता है एल्डिहाइड हाइट मीन सी डबल बॉन्ड हो है ना एक साइड तो कम से कम एच होना ही चाहिए अब फर्स्ट मेंबर की बात आ रही है तो सबसे छोटा एल्डिहाइड तो बच्चों सबसे छोटा एल्डिहाइड मतलब वन कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड तो दोनों साइड एच लगा दो सो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड सो फर्स्ट मेंबर बर ऑफ कीटोन सीरीज बता दो ठीक है तो फॉर्मलिडी हाइट ना फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन सीरीज ठीक है बच्चों? तो कीटोन सीरीज तो का पहला मेंबर तो देखो सी डबल हो और दोनों साइड कार्बन लगा दो कम से कम सबसे छोटा कार्बन या एल्काइल ग्रुप सो सबसे छोटा एल ग्रुप क्या हो गया मिथाइल ठीक है तो जिसका नाम है बच्चों एसीटोन क्लियर सो so, आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट मेंबर ऑफ एल सीरीज तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर्मल फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन ऑफ फर्स्ट मेंबर यानी एसीटोन ठीक है तो कीटोन में सी डबल बोन ओ के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लग जाएगा बच्चों चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है ठीक है बस अगर दोनों तरफ कार्बन हो तो कीटोन और कोई एक साइड में हाइड्रोजन हो तो एलडी क्लियर यहां तक तो कोई डाउट नहीं एल क्या होते हैं कीटोन क्या होते हैं अब बच्चों खास बात क्या है एल कीटोन में खास बात क्या है तो हम कहेंगे एल कीटोन में खास बात क्या है तो देखो ये बहुत अच्छे है ना आ, फ्लेवर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनकी स्मेल जो होती है वो बहुत अच्छी होती है है ना? की की तरह, मतलब की तरह मतलब इनको यूज कर सकते हैं है ना? आ, जैसे वनीला आइसक्रीम सुना है हम काम तो में, में, में लेतेमोन दालचीनी तो इज दालचीनील ठीक है तो इस तरह के बहुत सारे से, जो क्या है अच्छी स्मेल वाले हैं कीटोन उनका स्मेल बहुत अच्छा है तो कीटोन तो मोस्टली परफ्यूम्स में यूज होते हैं और एल्डिहाइड जो नेचुरल कंपाउंड है जिनमें से अच्छी खुशबू आती है उनमें वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? तो बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर वेरी गुड स्मेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बच्चों इनका स्मेल जो है वो बहुत अच्छा होता है सो so, यूज भी बहुत ज्यादा हो जाएगा है ना सो दे आर वेरी गुड स्मेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे आर यूज्ड क्या यूज करेंगे तो भी इनमें बहुत अच्छा फ्रेगरेंस है तो एज अ फ्रेगरेंस मटेरियल यूज कर लो है ना सो दे आर यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर समझ गए भाई नेचुरली वनीला की स्मेल तो एलडीएड की वजह से आती आपने आर्टिफिशियली उसी एल डी एड को सिंथेसिस कर लिया तो स्मेल तो वैसा ही देगा तो वनीला फ्लेवर होता ही है ना तो दे आर यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट ओके okay. तो बच्चों क्वेश्चन बन सकता है भाई कौन से कंपाउंड है जिनको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट काम में ले सकते हैं तो आपको बताना है एल्डिहाइड एंड की ठीक है अब फ्लेवरिंग एजेंट या फिर देखो कभी कभी क्या होता है दवाइयों में से बहुत स्मेल आती है ना तो बच्चों की जो दवाइयां होती है उसमें अच्छा फ्लेवरिंग एजेंट मिला दो वेनीला का फ्लेवर मिला लो तो एक बार तो आइसक्रीम समझ के मेडिसिन को भी क्या कर ला है? ले लेगा है ना तो हम कह सकते हैं कि भाई एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं एंड एडिटिज टू एडिटिव मतलब ऐड करना किस में ऐड करना तो हम कहेंगे भाई फूड में ऐड कर दो ड्रग्स में ऐड कर दो बहुत सारी चीज़ें हैं है ना तो एडिटेज टू फूड ड्रग्स एंड किसी में भी मिला दो तो एंड अदर प्रोडक्ट्स बच्चों ऐसे कौन कौन से एल्डिहाइड है जिनको एज ए फ्लेवरिंग एजेंट हम काम में ले सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है इनके एग्जांपल्स के बारे में सो एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों तो पहला एग्जाम्पल है वेनिलीन अब वेनिलीन क्या है तो बच्चों वेनिलीन है एक तरह से बिंजल डी

तो हम कहेंगे वनीला फ्लेवर कहां से आएगा? टू तो प्रोवाइड वनीला फ्लेवर सो दिस इज नेम इज वेनिलीन एंड इट प्रोवाइड वनीला फ्लेवर अब बच्चों एक और कंपाउंड है हमारे पास एसिटो तो, तो देखो फिनोन नाम से क्या लग रहा है कीटोन फिनोन एल्कोल फिनोल में भी सीखा था हमने है ना फिनोन तो फिनोन मतलब फिनाइल के पास में कीटोन तो फिनाइल के पास में कीटो तो फिनाइल और ये फिना। ग्रुप तो so, इसमें क्या खास बात है, तो इसका है कि इसको पिस्टैचियो। पिस्टैचियो ना पिस्ता का जो पिस्ता बादाम होता है तो पिस्टैचियो फ्लेवर इसके अंदर होता है तो पिस्टैचियो आइसक्रीम में इसको मिला सकते हैं ठीक है तो फ्लेवर दे रहा है ये उसका सो यूज इन पिस्टेचियो आइसक्रीम है ना एज अ एडिटिव कह दो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट बोल तो बच्चों एक तो हो गया वनीलिन दूसरा हो गया एसिटोफिन नाउ थर्ड वन जो है दैट इज सिनेमल्डिहाइड अब सिनेमल्डिहाइड क्या है तो बच्चों एक्रिलडिहाइड अब एक्रिलडिहाइड क्या है तो एक्राइल मतलब तीन कार्बन डबल बॉन्ड एक्राइलो मतलब तीन कार्बन और डबल बॉन्ड

और वन टू थ्री तो फिनाइल एक्लडी हाँ और मैं इसे क्या नाम दे देती हूँ सिने अब मैंने अभी आपको बताया था बच्चों हाँ फ्लेवरिंग एजेंट स्मेल कैसी होगी तो जो हम किचन में काम में लेते हैं दालचीनी सिनेमोन है ना तो सिनेमोन का जो स्मेल है का जो फ्लेवर है दैट इज ड्यू टू सिने मल्दी ओके तो सिनेमल दी या सिनेमॉन अच्छा अभी इसमें से ट्रांस भी पॉसिबल है ठीक है बच्चों तो ये जो है ना सिनेमोन का फ्लेवर वाला कंपाउंड दैट इज ट्रांस सिनेमल दी है। तो कहाँ यूज़ करते हैं तो भाई दालचीनी क्या फ्रूट्स में मिला सकते हो है ना अदरवाइज हमने देखा भाई ड्रग्स बहुत अच्छी स्मेल नहीं आती है तो अच्छा फ्लेवर ही कंपाउंड है ठीक है तो यूज़ क्या करेंगे बच्चों तो हम कहेंगे भाई फूड में एज ए एडिक्टिव यूज़ कर सकते हैं ड्रग्स में एज एडिटिव हम उसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं तो फूड हो गया ड्रग्स हो गया या आइसक्रीम्स हो गया कैंडीज हो गया ठीक है सो दीज आर सम एल्डीहाइड विच हैव वेरी गुड स्मेल कंपाउंड वेरी गुड स्मेलिंग कंपाउंड है ना सो वी कैन यूज दम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट तो आपसे पूछे भाई कौन सा एल्डीहाइट है जो वनीला का फ्लेवर देगा तो so, हम कहेंगे वेनिली क्या फॉर्मूला है क्या स्ट्रक्चर है तो बच्चों बेंजलडी बना दो है ना एक पोजीशन छोड़ दो टू वाली थ्री पे मेथॉक्सी फोर पे हाइड्रोक्सी ठीक है तो बेंजलडी हाइड वेनिलीन वनीला का फ्लेवर देगा आइसक्रीम में कैंडीज में और मेडिसिन में किसी में भी मिला सकते नेक्स्ट वन इज एसिडो तो बच्चों स्टैच्यू आइसक्रीम में यूज करते हैं स्मेल भी इसका वैसा होता है देन सिनेमलडी हाइड है ना तो सिनेमॉन का जैसा इसका फ्लेवर है ठीक है तो इसको फूड्स में ड्रग्स में कैंडीज में हम यूज कर सकते हैं सो दीज आर फ्लेवरिंग एजेंट एल डी हाइट्स क्लियर बच्चों कर लेगी यहां तक कोई डाउट नहीं अभी तक हमने पढ़ा है काबोनाइल कंपाउंड सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज काबोनाइल ग्रुप अब काबोनाइल ग्रुप जिसमें भी होगा उन कंपाउंड को मैं बोल दूंगी काबोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड बच्चों दो तरह के होते हैं वन कीटोन सी डबल बॉन्डो गया साइड में एच लग गया तो इट विल बी एल डी और बीच में लग गया दोनों तरफ कार्बन है देन इट विल बी कीटोन ठीक है तो एलडी क्या है कीटोन क्या है एल डी सीरीज का फर्स्ट मेंबर फॉर्म डी कीटोन सीरीज का फर्स्ट मेंबर तो आप कहेंगे तीन कार्बन वाला होगा क्योंकि सी डबल बॉन्डो मुझे बीच में रखना है इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन तो एटलीस्ट थ्री विल बी एसिटोन नाउ फ्लेवरिंग एजेंट तो बच्चों वनीलिन सेकेंड वन है एसिटोफिन एंड थर्ड वन इज सिनेलहाइड क्लियर सो मूविंग टू आर नेक्स्ट टॉपिक तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन सिस्टम फॉर द नेमिंग ऑफ एल कॉमन सिस्टम फॉर द नेमिंग ऑफ एल डी हाइट, हाइट. बच्चों साथ साथ में नोट्स बना के लिखना चैप्टर लर्न हो जाएगा जहां नहीं समझ में आए वीडियो वापस देख लेना है ना लेकिन नोट्स जरूर बनाना बच्चों नोट्स बनाओगे तो चैप्टर लर्न होगा एग्जाम में पढ़ोगे क्या वीडियो थोड़ा चलाओ है ना आपके पास पूरा मटेरियल रिटर्न में होना चाहिए ठीक है अच्छा इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी वहां से आप पूरे नोट्स का पी ले सकते हैं तो चलो हम देखते हैं कॉमन सिस्टम फॉर द नेमिंग ऑफ एल ठीक है तो बच्चों देखो पहले कुछ टर्म्स याद कर लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास एक ही कार्बन है ठीक है तो फॉर वन कार्बन वी विल यूज टर्म फॉर्म टू कार्बन के लिए हम टर्म यूज करेंगे एसिटो फॉर थ्री कार्बन वी विल यूज प्रोपियो फोर कार्बन का टर्न हम यूज करेंगे ब्यूटाइरो फॉर्म एसिटो प्रोपियो ब्यूटाइरो अगर बच्चों पांच कार्बन है सो वी विल यूज वेलेरो सिक्स कार्बन है तो हम यूज करेंगे कैप्रियो ठीक है और अभी सिखाया था कि भाई तीन कार्बन और डबल बॉन्ड है है ना इफ यू हैव थ्री कार्बन एंड डबल बॉन्ड देन वी विल यूज टर्म एक्राइलो ठीक है और फोर कार्बन है और डीबी मतलब डबल बॉन्ड ठीक फोर सी मतलब चार कार्बन डीबी मतलब डबल बॉन्ड सो वी विल यूज द टर्म क्रोटोन ठीक है तो बच्चों ये बेसिक टर्म्स है ये अगर हमें याद होंगी तो हम नेमिंग करेंगे ना ओके सो फर्स्ट एल डी हाइट एच सी डबल बॉन्डो एच तो बच्चों एक कार्बन वाला एल डी तो एक कार्बन के लिए हमने क्या यूज किया है फॉर्म तो नाम लिख दो फॉर्म एल डी हाइट यानी दिस इज फॉर्मल डी हाइट सो एक कार्बन वाला एल क्या है बच्चों सो दिस इज फॉर्मल डी हाइट ओके नाउ टू कार्बन कंटेनिंग एल डी हाइट सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो एच तो दो कार्बन वाला एल डी हाइट तो नाम लिख दो इसका एसिटल हाइट एक कार्बन फॉर्मल डी हाइट दो कार्बन एसिड डी हाइट Now three carbon containing aldehyde. So CH3, CH2, CHO, oh. so, two, form aceto, Three के लिए क्या हो जाएगा propio. So it will be propion aldehyde. यानी आप क्या बोलेंगे बच्चों? Propion aldehyde या propion aldehyde. Clear? तो so, formaldehyde हो गया, acetaldehyde हो गया, propion aldehyde हो गया. Now मान लो आपको चार कार्बन में चाहिए तो देखो सीएस थ्री अब आप लिखेंगे सी एच टू सी एच टू तो दो बार हो गया ना सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू और सी एच ओ तो बच्चों चार कार्बन वाला एल्डिहाइड जो है दैट विल बी दटविलइट ठीक है सो दिस इज रेल नाउ फाइव कार्बन के लिए तो फॉर्म एसिटो प्रोपियोब्यूटाइरो के लिए क्या हो गया बच्चों के लिए हो गया आपके पास वेले ठीक तो तो है तो फाइव कार्बन कंटेनिंग एल डी हाइट तो सी एच थ्री सी एच टू होल थ्री कर दो तीन चार हो गया और ये पांच तो फाइव कार्बन कंटेनिंग एल डी हाइड विल बी वेले रेल दी हाइट वेले रेल ठीक है तो फॉर्म इट एसिटो एसिटल डी प्रोपियो प्रोपियनल डी हाइट ब्यूटाइरो वेलेरल हाइट हो गया बच्चों नाउ सिक्स कार्बन की बात कर लेते हैं तो सी एच थ्री सी एच टू होल फोर फाइव और यहां हो गया सिक्स सो इट विल बी कैपरल डी तो सिक्स कार्बन कंटेनिंग एल डी हाइड इज कैप्रल डी हाइड अब कैप्रियो भी पहुंच गए हम थ्री कार्बन डबल बॉन्ड तो बच्चों तीन कार्बन और डबल बॉन्ड वाला एल डी हाइड थ्री कार्बन और एक डबल बॉन्ड तो देखो यहां तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा ना क्योंकि एलडी हाइड के पास तो एक ही कार्बन के पास कार्बन के पास एक ही बॉन्ड फ्री था वेलेंसी एक ही थी ठीक है तो तीन कार्बन वाला एलडीहाइड हो गया बच्चों डबल बॉन्ड कंटेनिंग ठीक है सो दिस इज एक्ल डी हाइट याक्राइल डी ठीक है और अब हमारे पास क्या रह रहेगा क्रोटोन गया ओके okay. चलो नंबरिंग कर देते हैं फर्स्ट वन फॉर्मल डी सेकेंड वन एसिड एल थर्ड वन प्रोपियोन एल डी फोर्थ हो गया आपका ब्यूटाइर एल डी फिफ्थ वन वेलर एल डी सिक्स वन कैप्रेल डी सेवेंथ इज एक हाइट नाउ एट्थ की बात कर लेते हैं सो एट्थ वन तो मैं लिख दूं भाई चार कार्बन होने चाहिए सेंटर में दे विल बी डबल बोन फोर कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड देर इज सेंटर में क्या है डबल बॉन्ड है सो फोर कार्बन के लिए क्या हो गया क्रोटोन चार कार्बन डबल बॉन्ड के लिए क्या हो गया क्रोटोन सो दिस विल बी क्रोटोन एल्डिहाइड ओके सो दिस इज इट ओके सो एक बार रीड कर लो और नोट कर लो क्लियर स्टूडेंट दिस इज द कॉमन सिस्टम फॉर द नेमिंग ऑफ एलदीहाइट

सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेमिंग ऑफ कीटोन तो बच्चों देखो कीटोन की अगर मैं बात करूं नेमिंग ऑफ कीटोन तो आपने कहा कि भाई कीटोन मतलब सी डबल बॉन्डो और दोनों तरफ क्या है तो दोनों तरफ कार्बन या एल्काइल ग्रुप होना चाहिए सी डबल बॉन्डो सेंटर में होना चाहिए है ना एंड बोथ साइड वी शुड हैव एलकाइल ग्रुप कीटोन की बात करो ये तो यहाँ पे भी एक ग्रुप ही तो है एल्काइल ग्रुप एंड अनोदर साइज अनोदर साइड एल्काइल नाउ बोथ एल्काइल ग्रुप आर सेम देन इट विल बी सिमेट्रिक कीटो एंड बोथ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट देन इट विल बी एसिमेट्रिक सिमेट्रिक कीटो जैसे ईथर में पढ़ा था ना बच्चों आर ओ आर तो आर आर सेम था तो सिंपल कीटोन सिमेट्रिक कीटोन और डिफरेंट था तो मिक्सड मिक्सड ईथर था है ना या क्या कहा था हमने मिक्स ईथर या एसिमेट्रिक ईथर सिमिलरली यहां पे भी क्या हो जाएगा बच्चों तो कीटोन आर डिवाइडेड एज सिमेट्रिक कीटोन तो एक बार तो मैं लिख दू कि भी चलो कीटोन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सिमेट्रिक कीटोन ठीक है तो सिमेट्रिक लिख दो या सिंपल लिख दो ओके okay. और दूसरी साइड आप क्या लिख दो ए एसिमेट्रिक ए कीटोन और यू कैन राइट मिक्सड कीटोन ठीक है तो सिमेट्रिक का मतलब समझ गए बच्चों सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप से ए सीमेट्रिक का मतलब एक साइड अल्काइल ग्रुप दूसरा है दूसरी साइड दूसरा है तो कीटोन इंटू टू पार्ट सिमेट्रिक कीटोन एंड सिमेट्रिक कीटोन तो क्या लिखेंगे आप सिट्रिक बोथ एल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड विथ सी डबल बॉन्डो है ना दोनों साइड वाले यानी बॉन्डेड विथ सी डबल बॉन्डो कार्बोनाइल ग्रुप क्या होनी चाहिए शुड बी सिमिलर ठीक है तो भाई अगर दोनों सेम है तब तो हम कह देंगे सिंपल कीटोन है सिमेट्रिक कीटोन है और अगर दोनों क्या है बच्चों दोनों डिफरेंट है बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट व्हेन बोथ एल्कायल ग्रुप्स आर डिफरेंट ठीक है भाई अगर दोनों डिफरेंट है देन इट विल बी ट्रिक कीटोन कोई डाउट नहीं आता अब एग्जाम्पल लिख देते हैं ठीक है तो देखो सी डबल बॉन्डो तो बच्चों अगर इधर आर है तो इधर भी आर होना चाहिए है ना यानी कि दोनों तरफ मिथाइल लिख दो सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री ठीक है अब पहला कीटोन तो हमें याद है फर्स्ट कीटोन इज एसे ठीक है तो बच्चों दोनों साइड एलकाइल ग्रुप सेम है तो एसिड नाउ दोनों साइड ग्रुप डिफरेंट कर दो सी डबल दो, इधर मिथाइल लगा दो इधर इथाइल लगा दो ठीक है तो एक तरफ एक ही कार्बन है उधर कितने दो कार्बन है ठीक है तो इथाइल मिथाइल की टोन कह दो यहां टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों चार कार्बन है तो फोर कार्बन ब्यूट सिंगल वॉन एन सफिक्स कीटोन इज ओन किटोन का सफिक्स क्या है -E, so, ठीक है तो नेमिंग दो बच्चों भी आगे सीखेंगे हम सो दिस इज ब्यूटे सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स क्लियर बच्चों कोई डाउट नहीं यहां तक समझ में आ गई आपको बार कीटोन्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है सिमेट्रिक कीटोन ए कीटोन सिंपल कीटोन मिक्स्ड कीटोन भाई कीटोन होता है सी डबल बॉन्ड ओ दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो सिंपल या सिमेट्रिक दोनों ग्रुप अलग है तो ए या मिक्स्ड कीटोन क्लियर अब आगे चलते हैं बच्चों नेमिंग की तरफ अब देखो डिराइव्ड सिस्टम हो सकता है एनसीईआरटी में ना हो ठीक है लेकिन सिंपल सा सिस्टम है पढ़ लेते हैं हम डिराइव्ड सिस्टम For naming of keto, ठीक है बच्चों तो आगे जाके कंपटीशन तो देना ही है आपको और सिंपल सी चीज बीच में आ रही है तो हम डिस्कस कर लेते हैं डिराइव सिस्टम फॉर द नेटो तो देखो सी डबल बॉन्डो कीटोन पहले कीटोन की बात करो तो आप कहोगे भाई सबसे छोटा कीटोन ले लो इधर भी मिथाइल लिख दो इधर भी मिथाइल, ठीक है अब करना क्या है तो देखो ये तो कीटोन है ना ये तो कीटोन है अब इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल तो बच्चों अब इसका नाम लिख दो। दोनों तरफ मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल कीटोन क्लियर बॉन्डो कीटोन क्लियर ओके और ले लेते हैं सो सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो सी टू एच फाइव अब नेमिंग देखो तो कीटोन तो ये इधर क्या है इथाइल इधर क्या है मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो क्या नाम लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटो ओके तो ये तो हो गया डाई मिथाइल कीटोन सेकेंड वन क्या हो गया तो हम कहेंगे इथाइल मिथाइल कीटो एक और नाम ले लेते C2H5 सी टू एच फाइव सी डबल बॉन्डो सी टू एच फाइव अभी इसका डिराइव नेम लिखो बताओ क्या होना चाहिए सी डबल बॉन्डो बच्चों बीच में है तो आपको लग रहा है एक तरफ इथाइल है दूसरी तरफ भी क्या है इथाइल है है ना सो दिस विल बी डाई इथाइल कीटो दोनों तरफ इथाइल है तो डाई इथाइल कीटो क्लियर नंबरिंग कर देते हैं फर्स्ट वन दिस इज सेकेंड दिस इज थर्ड तो नोट्स बनाना इजी रहेगा बच्चों नाउ फोर्थ में तो फोर्थ में इस बार में क्या करती हूँ हटा के मैंने एक जगह फिनाइल लगा दिया अभी हमने पढ़ा भी था बच्चों तो में है ना जो कीटोन का फ्लेवर है ठीक है दैट इज तो तो ये तो तो है लेकिन आपसे पूछा डिराइव्ड नेम क्या है तो बच्चों ध्यान से देखो डिराइव्ड नेम तो कीटोन तो ये रहा दिस इज मिथाइल दिस इज फिनाइल एल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो एम पहले आएगा तो मिथाइल फिनाइल कीटो सो दिस इज मिथाइल फिनाइल कीटो अब मान लो दोनों तरफ ही मैंने क्या किया दोनों तरफ बेंजीन लगा दिया बच्चों बेंजीन सी डबल बॉन्डो बेंजीन ठीक है तो बच्चों कॉमन नेम तो है मेन्जोफिनो कॉमन नेम है बेंजोफिन लेकिन यहां तो डिराइव चल रहा है तो भाई कीटोन तो ये रहा नाउ दिस इज फिनाइल अगेन दिस इज फिनाइल तो दोनों फिनाइल है ना तो इसका नाम क्या बनाएंगे बच्चों सो इट विल बी डाई फिनाइल कीटो दिस इज डाई फिनाइल दोनों तरफ फिनाइल है तो डाई फिनाइल कीटो क्लियर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर सिक्स यहां तो है बच्चों आपके पास बेंजीन C डबल बॉन्डो CH2 और ये आपका हो गया अब आप बताओ एक तरफ बेंजीन हो गया C डबल बॉन्डो हो गया CH2 बेंजी। तो देखो ये तो कीटोन है C डबल बॉन्डो क्या है कीटोन नाउ लेफ्ट एंड साइड फिनाइल और वहां देखो कार्बन नेक्स्ट बेंजीन पढ़ा है आपने कार्बन कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन बेंजीन का पड़ोसी कार्बन उससे अगर कुछ कनेक्टेड है दैट इज तो नाम क्या लिखेंगे बच्चों दिस इज तो बेंजाइल आगे लिख दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सो बेंजाइल फिनाइल कीटो ओके सो दिस इज द डिराइव्ड सिस्टम फॉर द नेमिंग ऑफ कीटो आगे चले तो बच्चों देखो एल्डिहाइड क्या होता है कीटोन क्या होता है ये सब हमने देख लिया एल्डिहाइड क्या है सी डबल बॉन्डो कार्बोनाइल ग्रुप है अगर कॉर्नर पे है एच लगा है तो एल्डिहाइड बीच में है तो कीटोन ठीक है तो कार्बोनाइल ग्रुप वाले कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड दो तरह के होते हैं फर्स्ट वन एल्डिहाइड सेकंड वन तो हम कहेंगे बच्चों कीटोन अब नेमिंग भी हमने देख लिया एल्डिहाइड का कॉमन नेम फॉर्मल डीहाइड एसिटल डिहाइट प्रोप्यूनल डी कीटोन तो वैसे पहला कीटोन एसिटोन बाकी हमने डिराइड सिस्टम देख लिया भाई दोनों तरफ मिथाइल है तो डाई मिथाइल कीटोन दोनों तरफ इथाइल है तो डाई इथाइल कीटोन इथाइल मिथाइल है तो इथाइल मिथाइल कीटोन क्या फर्क पड़ना ठीक है अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों दैट इज आईयूपीएससी नोमिन क्लेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड तो पहले कार्बोनाइल कंपाउंड में हमारे पास है एल्डिहाइड है। तो हम ले लेते हैं IUPAC nomenclature of aldehydes. ऑफ ठीक है तो बच्चों पहले एल्डिहाइड्स डी हाइट्स के सीखेंगे और उसके बाद में कीटोन की अब बच्चों देखो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और एक तरफ क्या होना चाहिए H, ठीक है अब बच्चों इसके सफिक्स की बात करें तो इसके दो सफिक्स हैं अगर एल्डिहाइड कीटोन के सफिक्स की बात करें बच्चों तो सफिक्स दो है एल्डिहाइड का एक सफिक्स तो है अल एल्डिहाइड एल से शुरू होता है ना तो पहला सफिक्स तो है अल और दूसरा जो सफिक्स है दैट इज कार्ब एल्डिहाइड तो पहला सफिक्स तो है अल और दूसरा सफिक्स क्या है कार्ब एल अब कब कौन सा काम में लेना है तो बच्चों अल जो है है ना एल का सफिक्स अल कब काम में लेंगे जब ये कार्बन चेन के अंदर होगा इन साइड द चेन क्लियर तो अल कब काम में लेंगे जब एल को जैसे आईओपीसी का रूल क्या है द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम तो जब चेन के अंदर कार्बन को ले इट विल बी अल और अगर कार्बन कोई वजह से बाहर छूट गया है है, या या कुछ और है। तो बाहर तो बाहर छूट गया, आप लिखेंगे द कार्ब so, कार्ब कार्ब चेन कार्बन चेन की अगर बच्चों बाहर छूट गया तो आपको लिखना है कार्ब एलडीहाइड अदरवाइज तो लिखना ही है नीफेक्स क्या है बच्चों C डबल बॉन्डो H प्रीफिक्स तो बच्चों प्रीफिक्स भी दो, है. अब दो कौन से है तो देखो एक प्रीफिक्स तो है ऑक्सो दूसरा प्रीफिक्स है फॉरमाई अब ये क्या बात हुई भी? दो दो प्रीफिक्स कब कौन सा काम में लेंगे सफिक्स भी दो थे तो चलो एक बार दिमाग लगा लिया अब ऑक्सो ऑक्सो में क्या साउंड हो रहा है ऑक्सो यानी ओ है ना तो मतलब कार्बन तो कहीं कही ना कहीं चेन में आ गया है ऑक्सीजन छूट रहा है और पूरा फॉर्माइल फॉर्माइल मतलब एक कार्बन सीएचओ है ना तो पूरा कार्बन कहीं ना कहीं आपका बाहर छूट रहा है तो यू विल यूज फॉर्माइल क्लियर तो ऑक्सो और फॉर्माइल तो बच्चो सीएचओ ग्रुप बाहर छूट गया आउट ऑफ चेन ठीक है कंफ्यूज नहीं होना उधर भी आउट ऑफ चेन है लेकिन वो साफेक्स है सफिक्स कब काम में लेते जब इंपॉर्टेंट ग्रुप आपका ही है एल डी हाइट प्रिफिक्स कब काम में लेंगे जब दो दो फंक्शनल ग्रुप है और एल डी हाइट की इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी कम है दूसरा वाला इससे इंपॉर्टेंट ग्रुप इससे ज्यादा प्रायर ग्रुप चेन में प्रेजेंट है तो उसका तो साफिक्स इसका प्रिफिक्स अब ये किसी वजह से चेन के बाहर रह, रह रहा है तो फॉर्माइल और चेन के अंदर रह गया बच्चों तो इट विल बी ऑक्सो क्लियर तो चारों यूज करना मैं आपको सिखा दूंगी सिर्फ एक बार नाम देख लो क्या-क्या यूज करना है क्लियर तो ये तो बात हो गई बच्चों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड के साफिक्स और प्रीफिक्स इसी के साथ हम मिला लेते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोनस ले लेते हैं चलो एल्डिहाइड एंड कीटोन तो कीटोन में क्या परेशानी है नहीं जल्दी लर्न हो जाए तो देखो कीटोन साउंड क्या कर रहा है ओन तो कीटोन का सफिक्स है ओन ठीक है तो भी अगर मैं लिखूं सी डबल बॉन्डो ठीक है दिस इज कीटोन है ना और यहां क्या लिखा था हमने सी डबल बॉन्डो एच दिस इज एल डी हेड ओके तो बच्चों एल डी का सफिक्स प्रिफिक्स हो गया अब कीटोन की बात करूं तो कीटोन का जो सफिक्स है कीटोन का सफिक्स है बच्चों ओन O -N -E. और कीटोन का जो प्रिफिक्स है तो वे कीटोन का प्रेफिक्स तो एक ही रहेगा ऑक्सो क्योंकि ये तो कार्बन चेन में आएगा ही सही है ना बाहर छूटना मुश्किल है ठीक है so, सो ऑक्सो प्रिफिक्स है और साफिक्स ओन है अभी सबको काम में ले लेंगे ठीक है तो आगे चलते हैं हम नाउ स्टूडेंट सिंपल एल्डिहाइड से शुरू करूं मैं भाई एल्डिहाइड की नेमिंग देखो तो देखो एल्डिहाइड आपका हो गया आर सी डबल बॉन्डो एच ठीक है तो बच्चों आर तो है एल्काइल ग्रुप ठीक है सी एच ओ एल क्या है अल तो एलकेन में अल मिला भाई एलकेन के एच को तुमने एल्डिहाइड ग्रुप से रिप, रिप्लेस कर दिया तो एलकेन ई हटा के अल लिख दो तो एल्डिहाइड का जो जनरल नेमिंग आपको करना है दैट विल बी एल्केनल इट विल बी एल नल तो बच्चों पहला एल लिख दू मैं फॉर्म अब आपको इसका यूपीसी नेम करना है तो एल के नल एल कार्बन मैथ प्रोब्यूट है ना अल आपका सफिक्स है तो भी सफिक्स तो एलडीहाइड है और एक कार्बन वाला एल के नल तो हम क्या कहेंगे दिस इज मीथेनल ठीक है बच्चों एक कार्बन वाला एल्केन क्या हो गया तो हम कहेंगे मीथेन है ना और सफेक्स क्या होना चाहिए अल सो दिस इज ओके और ले लेते सो डबल so OH, तो बच्चो एल के नल नाउ वी हैव टू कार्बन तो इसका नाम क्या लिख पाएंगे हम तो दो कार्बन वाला एल के नल सो इट विल बी इथेनल है ना बच्चों तो फॉर्मल डिहाइड आई यू पी एस सी नेम मीथेनल इथेनल, है ना? दोनों को मिला के याद करना नहीं तो उलझ जाओगे दूसरा aldehyde, दो वाला aldehyde, सफिक्स क्या है? अल तो इथेनल ओके okay, तो बच्चों थर्ड में चले चलो सो सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्डो एच तो कितने कार्बन हो गए वन टू थ्री तो थ्री कार्बन के लिए क्या आएगा तो हम कह देंगे प्रो साफिक्स क्या आएगा प्रोपेन और सॉरी क्या आएगा अल तो थ्री कार्बन प्रोप सिंगल बॉन्ड एन एंड क्लियर कार्बन कितने देखो एक दो तीन तो मैथ है प्रोप तो प्रोपेन है ना और सफिक्स क्या है अल तो प्रोपेनल तो बच्चों मीथेनल इथेनल प्रोपेनल ब्यूटेनल इस तरह से चलता जाएगा ठीक है कुछ और एग्जाम्पल लेते ले लाइक like मैंने आपको क्रोटोनल सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच ओ अब क्या करूं तो बच्चों फोर्थ हमारा सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट तो लॉन्ग चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है एलडी ठीक है तो फंक्शनल ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है एलडी दूसरा फंक्शनल ग्रुप एल है लेकिन वो तो चेन में आ ही जाएगा ठीक है सो देखो दिस इज तो फोर कार्बन चार कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे ब्यूट अब दो नंबर पे क्या है बच्चों डबल बॉन्ड तो देखो फोर कार्बन के लिए हो गया ब्यूट दो नंबर पे डबल बॉन्ड यानी ईन ठीक है अब ई एन ई लिखना था लेकिन सफिक्स क्या है अल तो दो वोवेल होते हैं ना तो पहला हट जाता है ई एन ई और ए एल तो दो है ना ई e और ए तो सेकेंड मॉविल आएगा तो IPC का रूल क्या पहला हट जाएगा तो ब्यूट टू इन अल और यू कैन से टू ब्यूट इन अल क्लियर सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं आप ये एग्जाम्पल ले लो सी एच टू डबल बॉन्ड CH सी एच ओ है ना अभी हमने देखा था हाई तो अगेन सेलेक्ट द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आइटम तो बच्चों लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लोगे वन टू थ्री तो टोटल कार्बन कितने हैं थ्री सो इट विल बी प्रोप टोटल कार्बन कितने थ्री तो थ्री कार्बन के लिए क्या आएगा प्रोप अब दो नंबर पे डबल बॉन्ड है ठीक है तो प्रोपीन अब टू लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों डबल बॉन्ड की पोजीशन यही है एल के पास तो नहीं आ सकता ना देखो एल क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच तो भाई एक ही वैलेंसी तो खाली है दो करोगे तो कार्बन की वैलेंसी पांच हो जाएगी पॉसिबल नहीं है तो यहां डबल बॉन्ड पॉसिबल है ही नहीं ठीक है तो छोड़ तो प्रोपीन और सफिक्स क्या लिखना है बच्चों सो दिस इज क्लियर तो ये सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है नो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सी CH2 थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्डो सी एच टू डबल ठीक है अब ध्यान से देखो बच्चों इसमें आपको एल्डिहाइड भी मिल रहा है और कीटोन भी मिल रहा है देखो सी डबल बॉन्डो कॉर्नर पे है तो दिस इज एल और सी डबल बॉन्डो बीच में है दैट मीनस दिस इज कीटोन तो लॉन्ग चेन तो बच्चों लॉन्ग चेन तो यही है ना वन टू थ्री फोर फाइव लॉन्ग चेन फाइव कार्बन की हो गई तो भाई पेंटेन तो आ गया सफेक्स अल भी आ गया अब देखो एक एल्डिहाइड एक कीटोन है तो बच्चों जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज जो प्रायर ग्रुप है दैट इज सफिक्स मतलब उसका सफिक्स यूज करना है और लेस प्रायर ग्रुप का लेस इंपॉर्टेंट ग्रुप का प्रिफिक्स यूज़ करना है तो भाई एल का प्रीफिक्स तो आएगा नहीं यहाँ तो कीटोन का प्रीफिक्स आएगा क्योंकि एल आपने अगर मेरिट लिस्ट पढ़ी है प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा है इलेवेंथ क्लास में तो एल आता है बच्चों नौ नंबर पे कीटोन आता है दस पे तो एल्डिहाइड की प्रेफरेंस कीटोन से ज्यादा है तो भाई एल्डिहाइड का तो सफिक्स आएगा कीटोन का प्रीफिक्स आएगा एंड कीटोन का प्रीफिक्स क्या है ऑक्सो ठीक है तो ऑक्सो कितने पे तीन पे तो अब नाम क्या होगा सो वी विल से 3 ऑक्सो लॉन्ग चेन में कितने का मैंने 5 तो पेंटेन तो 3 ऑक्सो पेंटेन एंड द सफिक्स इज अल तो बच्चों इस बार ये नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो पेंटेनल ओके Now, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव सी डबल ओ देन आपके पास है सी डबल बॉन्ड ओ देन सी एच टू एंड सी ओ एच ठीक है अब बच्चों देखो सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड ऑइक एसिड आ गया आपके पास ठीक है तो हम कहेंगे भाई सी ओ एच तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक तो तो एसिड ठीक है और नंबर वन फंक्शनल ग्रुप तो ये ही हो गया तो नंबर वन टू थ्री फोर तो बच्चों पे पे तो तो है, है लेकिन हमें तो दोनों का ही लेना है और दोनों का सेम था का क्या था था क्या क्योंकि चेन में आ गया ना बच्चों और कीटोन का प्रिफिक्स भी क्या है ऑक्सो देखो जब तुमने कह दिया कि लॉन्ग चेन चार कार्बन की है तो छूटा कौन बाहर तो बाहर ऑक्सीजन छूटा तो हम ऑक्सो बोल रहे हैं। है ना आउट ऑफ आउट ऑफ द चेन कौन है ऑक्सीजन सो यूज ऑक्सो फॉर्मा क्यों यूज करोगे पूरा कार्बन तो बाहर छूटा ही नहीं ठीक है तो भाई मुझे फोर कार्बन दिख रहा है तो फोर कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब butane, COH का suffix क्या है? और ही कैसे? अब आप चेक कर लो ऑक्सो तो एसिड थ्री फोर डाइ ऑक्सो ब्यूटे नॉइक एसिड ये इसका यूपीएससी नाम बनेगा क्लियर सिंपल है कितने एग्जाम्पल हो गए हमारे पास सेवन चलो एट एग्जाम्पल की और चलते सो so, देखो बच्चों बेंजीन लिखा यहां लिख दिया सी एच ओ और यहां लिख दिया सीओ बेंजीन पे एक बार तो है सी एच ओ एंड सेकेंड टाइम वी हैव सी ओ एच ना सी एच ओ इज एल डी हाइट सी ओ एच इज कािकसिड ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे पता है सी ओ एच नंबर वन प्रायोरिटी लिस्ट सी ओ एच नंबर वन पे आता है तो बच्चों बेंजीन पे सी ओ ओ एच बेक एसिड आईओपीसी में डायरेक्ट एक्सेप्टेड नेम है बेंजोइक एसिड है ना बेंजीन बेनजीन एसिड है बट बेंजोइक एसिड करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं सो सीओ एच तो नंबर वन पे है अब टू पे आपका एल बाहर रह गया तो बच्चों ध्यान से देखो पूरा फॉर्माइल ग्रुप बाहर रह गया पूरा एल बाहर रह गया है ना तो पूरा एल आउट ऑफ द चेन है मतलब प्रिफिक्स तो लेना ही है लेकिन प्रिफिक्स में कार्बन भी बाहर छूट रहा है यहां ऑक्सीजन बाहर छूट रहा था तो मैंने ऑक्सो लिखा वहां कार्बन भी बाहर छूट गया दैट मीन्स फॉर्माइल विल बी यूज बिकॉज द होल सी ग्रुप इज आउट ऑफ द चेन सो वी विल यूज फॉर्माइल ग्रुप बेन्जीन सीओ एच बेजॉइक एसिड एंड एट द सेकेंड पोजिशन वी हैव फॉर्माइल सो टू फॉर्माइल टू फॉर्माइल बेन्जॉइक एसिड ओके तो इसका आंसर हो गया टू फॉर्माइल बेन्जॉइक एसिड Clear? अब आगे चलते हैं नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज सी एच टू सी एच सी एच टू सपोज वी हैव थ्री एल डी अब ओल्ड सिस्टम में तो क्या करते थे दो एल डी ग्रुप को चेन के अंदर ले लेते थे और एक को बाहर छोड़ देते थे, थे. है ना इन ओवल्ड सिस्टम वी कैन टेक टू एल डी आई ग्रुप इन साइड द चेन एंड वन शुड बी वन शुड रिमेन आउट ऑफ द चेन बट आजकल नहीं मॉडल सिस्टम जो कहता है दैट इज या तो तीनों को चेन के अंदर ले लो और ऑल थ्री ग्रुप शुड रिमेन आउट ऑफ द चेन या तो इनर या फिर आउटर तो हमें तीनों को तो चेन में लेना पॉसिबल नहीं तो बाहर छोड़ दो ओके सो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सो वी हैव लॉन्गेस्ट चेन ऑफ थ्री कार्बन आइटम ओके सो दिस इज वन दिस इज टू एंड दिस इज थ्री तो बच्चों लॉन्ग चेन थ्री कार्बन आइटम की है दैट मींस प्रोपेन वन टू थ्री तो लॉन्ग चेन थ्री कार्बन आइटम की है तो प्रोपेन अब सी एच ओ आउट ऑफ सीखा था हमने कि अगर गलती से सी एच ओ ग्रुप चेन के बाहर छूट जाए सी एच ओ ग्रुप इन साइड द चेन इतने देर से तो इन साइड द चेन था सो वी वर यूजिंग अल नाउ सी एच ओ ग्रुप इज आउट ऑफ द चेन सो वी विल यूज कार्ब अल है ना तो भाई कार्बन बाहर छूट गया तो अब मुझे कार्ब एल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा ओके सो लॉन्ग चेन ऑफ थ्री कार्बन सो दिस इज प्रोपेन ओके नाउ थ्री कार्ब एल्डिहाइड आर आउट ऑफ द चेन सो प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्ब एल्डिहाइड ओके तो दिस इज प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्ब एल्डिहाइड नाउ वन मोर एग्जाम्पल तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले के एग्जाम्पल सिखाया था फिनाइल मिथाइल कीटो है ना फिनाइल मिथाइल कीटो तो बच्चों इसको तुम आई में डायरेक्ट लिख सकते हो एसिटोफिनोन क्लियर एक्सेप्टेड इन आई पी एंड यू कैन राइट हियर एसिटोफिनॉन सिमिलरली अगर दोनों तरफ बेजीन हो बेंजीन सी डबल बॉन्डो एंड बेंजी, सो इट विल बी बेन्जोफिनोन ओके तो बच्चों एंड बेन्जोफिनोन कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है नाउ, तो मैं कीटोन सीरीज का फर्स्ट मेंबर ले लेती हूं सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री ओके तो बच्चों फर्स्ट कीटो है ना कीटोन क्या होते हैं आर सी डबल बॉन्डो आर तो कीटोन का कॉमन नेम तो जैसे एल्डिहाइड का एल के नल लिखते थे वी विल राइट हियर एल के नॉन एलकेन एंड सफिक्स ऑफ द कीटोन इज ओन सो एल के नोन नाउ वी हैव थ्री कार्बन कंटेनिंग एलकेन या थ्री कार्बन कंटेनिंग कीटोन तो थ्री कार्बन मैथ एट प्रोप सो इट विल बी प्रोपेन एंड द सफिक्स इज ओन सो दिस इज सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो सी एच टू सी एच थ्री सो वी हैव टोटल कार्बन आइटम्स वी हैव फोर कार्बन आइटम क्लियर अब अच्छा नंबरिंग करना जरूरी नहीं है हालांकि आपको दिख रहा है दिस इज टू ब्यूटे नॉन बट अगर मैं नंबरिंग यहां से करती हूँ तो नंबरिंग गलत हो जाएगा ना थ्री ब्यूटे नॉन तो पॉसिबल ही नहीं है ना वन टू क्यों करेंगे नंबरिंग तो ऐसे ही चलेगा सो दिस इज ब्यूटिन नोन नाउ इनकेस ऑफ पेंटेन सी एस थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्डो सी एच टू सी एस थ्री ठीक है तो अगर आपके पास बच्चों पेंटेन वाला केस है तब आपको नंबरिंग जरूर लिखना है ना दिस इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो दिस इज थ्री पेंटेन नोन और यू कैन राइट पेंटेन थ्री ओ क्लियर क्योंकि पेंटेन टू ऑन तो हो सकता था बट पेंटेन है ना ब्यूटेन थ्री ऑन तो नहीं हो सकता था ठीक है ना क्योंकि नंबरिंग तो यही से अगर मैं उल्टा नंबरिंग करती हूं तो गलत है क्लियर लेकिन यहां अगर मैंने लिख दिया पेंटेनॉन और मेरे को स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको कैसे पता चलेगा टू पेंटेनॉन बनाना है कि थ्री पेंटेनॉन बनाना है तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा यू हैव टू राइट हियर थ्री पेंटे बट इफ आई एम से नॉन टू ब्यूटिन इज ऑलवेज टू ब्यूटिन थ्री ब्यूटिन इज नॉट पॉसिबल है ना नंबरिंग इज रॉन्ग ठीक है तो पेंटे नॉन में बच्चों आपको नंबरिंग करना है लेकिन ब्यूटे नॉन में नंबरिंग नहीं करना है सो दिस इज आई यू पी एस सी नेमिंग ऑफ एल डी हाइड तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा आपको अब अगर अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज लाइक करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे है ना शेयर करने से क्या होगा और भी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी वजह से इस साल उनका छूट गया है चैप्टर ठीक है तो वो भी आपके साथ साथ पढ़ लेंगे तो कंटिन्यू सीरीज रहेगा बच्चों हमारा एल्डिहाइड हाइड एंड कीटोन तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय